हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लता एंड शंकर ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, मैं आप सबसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से एक एक सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं। और देखिए, आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे तक जा सकते हैं, आप लोग के सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो प्लीज़ जो लोग सब्सक्राइब करते हैं बाद में अनसब्सक्राइब मत कीजिए, बहुत ठेस पहुंचता है दिल में सच में। और क्योंकि सबको एक दूसरे के सपोर्ट की ही ज़रूरत है, बिना किसी के सपोर्ट के हम आगे तक नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, एक दूसरे का सपोर्ट करिए। अगर आप किसी का सपोर्ट करते हैं तो बदले में वो भी तो आपका सपोर्ट करता है। तो ठीक है, बने रहिएगा ब्लॉग में। और देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया था सुबह का टाइम और यहाँ पर हम लगा रहे थे पर्दा। तो ये पर्दा धोए हुए थे हम होली से पहले ही, लेकिन लगा नहीं पाए थे। तो आज देखिए लगा रहे हैं, क्योंकि होली के टाइम पे हम ऐसे भी पर्दा सब नहीं लगाए थे, क्योंकि बच्चे लोग रंग खेल रहे थे। तो उन लोग का आदत है कुछ भी मतलब तुरंत पर्दा में ही पोंछने का। और छोटों को क्या कहना, बड़ों लोग का भी आदत होता है कि मतलब पर्दे पे पोंछते ही हैं, हाथ अगर भींगा भी है तो पर्दे से ही पोंछ लेते हैं। तो देखिए, हम इतना दिन के बाद आज लगा रहे हैं और ये मेरा सुबह का ही टाइम हो रहा था। मेरे हस्बैंड अभी कुछ देर पहले ही गए थे ड्यूटी पर, और पर्दा लगाने के बाद फिर हम झाड़ू पोछा भी लगा लिए थे, क्योंकि और बहुत जल्दबाजी में आज हम झाड़ू पोछा लगाएं इसीलिए वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि काम भी हमको आज बहुत ज़्यादा था। तो देखिए, अभी यहाँ पर मेरा ना दो दिन से कपड़ा हम धो रहे थे तो उसको हम समेट ही नहीं पा रहे थे, बस ऐसे ही कुर्सी पर उसको रख दे रहे थे। तो आज देखिए अभी सुबह सुबह, क्योंकि दिन भर हम कुछ ना कुछ काम में बिजी हो जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं, तो आज सोचे चलो सुबह ही सब कर लेते हैं। तो देखिए, सारा कपड़ा जो है हम सुबह ही अभी समेट देंगे अभी ही, ताकि बाद में फिर आज फिर से अगर कपड़ा धोना पड़ा तो और कपड़ा जमा हो जाएगा। इसी वजह से हम अभी ही इसको सब सारा कपड़ा जितना भी है सबको एक एक करके ठीक कर देंगे, और उसके बाद फिर बाकी का काम हम करेंगे। तो और क्या होता है ना, कि दिन भर आप जैसे कितना भी काम करो, एक ना एक काम बढ़ ही जाता है, और अलग अलग काम में हम दिन भर इतने उलझे हुए रहते हैं कि मतलब जो काम छूटा हुआ है वो बस छूट ही जाता है। तो इसलिए जब जो काम तुरंत ही सोचो और तुरंत ही कर लो वही अच्छा होता है, नहीं तो फिर वो काम रह जाता है और फिर हम कर ही नहीं पाते हैं बाद में, तो इसीलिए दिक्कत होती है। और मेरे घर में हम अकेले ही हैं तो जैसे हमको ही सारा काम देखना पड़ता है, करना पड़ता है, तो इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसी वजह से तो देखिए, हम अभी जो है सारा कपड़ा समेट लेंगे और फिर आज हमको गेहूं भी धोना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है हम मेरा अभी पानी खुला हुआ था, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ने दो दो कनेक्शन लिया हुआ है पानी का, तो कभी एक खुलता है कभी एक नहीं भी खुलता है। और अभी जो हमको गेहूं धोना था तो पानी खुला हुआ था, तो सोचा चलो अभी मेरा आटा जो है अभी लगभग मतलब 3-4 दिन मेरा आटा चल जाएगा, लेकिन गेहूं सूखने में भी टाइम लगता है, तो इसी वजह से हम गेहूं धो दे रहे हैं, ताकि क्योंकि अभी धूप तो अच्छी ही रहती है, गेहूं सूख ही जाएगी 2-3 दिन में। और हम इस बार थोड़ा ज़्यादा ही गेहूं धोएंगे, तो क्योंकि ताकि अच्छा से चले। और इसीलिए देखिए, हम यहाँ पर गेहूं धो रहे हैं, और गेहूं धोने के बाद फिर इसको, क्योंकि अभी मेरा सब काम करते करते इस टाइम लगभग 9-9:30 के आसपास हो गए थे टाइम, और उसके बाद अभी तक हम इस टाइम ब्रश भी नहीं किए थे, और अभी हमको ये काम करके फिर हमको नहाने भी जाना है, और दिन भर हमको आज और भी बहुत ज़्यादा काम है। तो इसी वजह से तो देखिए, अभी यहाँ पर हम सारा गेहूं जो है वो धो लेंगे, और फिर इस गेहूं को जो है उसको हमको धूप में सुखाना भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले गेहूँ धो लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा गेहूँ धोने हो गया था और धूप भी आ गया था, क्योंकि लगभग 10 बजे तक धूप आ जाता है मेरे आंगन तक, क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी, धूप जल्दी ही आ जाती है। तो देखिए अभी मेरा जो है धूप यहाँ पर आ गया है और अभी लगभग वही 10 बज गए थे। मैंने धोकर गेहूँ को थोड़ा सा रख दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सूखने के लिए। और देखिए यहाँ पर हम सब गेहूँ को डाल देंगे और इसके साथ साथ हम आज चावल भी धोए हैं, क्योंकि मेरी सास ना गेहूँ बोलती है ऐसे ही मत पिसाओ, इसके साथ मिक्स कर दो, जैसे आरवा का चावल होता है और जो चावल से हम लोग भात खाते हैं वो चावल, तो दोनों मिला के चावल इसमें हम लोग मिला के पिसाते हैं और गेहूँ को, और फिर आटा, लेकिन अच्छा ही लगता है रोटी खाने में, मिक्स करके पिसाते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में भी नहीं डालते हैं चावल को, कम कम ही डालते हैं, गेहूं ही ज़्यादा रहता है। तो देखिए इसके बाद मैंने आज कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि दिन भर हम बिजी थे और कुछ दिन से मेरा सर भी बहुत दर्द दे रहा है, तो कुछ भी मन नहीं लग रहा अच्छा सा करने का, और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, करना तो पड़ता ही है पर वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही शेयर कर रहे हैं और मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा और हमारी वीडियो देखिए, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।